क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप बिशप मनगिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, काफी धूम धड़ाके से शुरू हुआ गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 57वां मुकाबला था, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में शुरू हुआ। इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का किया फैसला। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही। दोस्तों, मोहसिन खान की इस गेंद पर टच करने के चक्कर में सामने खड़े आवेश खान को वृद्धिमान शाह कैच से बैठे और मात्र 5 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट का बैठे। दोस्तों, उनके बाद मैथ्यू वेड आए थे अचानक तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी आवेश खान की इस घूमती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए। शॉट लगाने के चक्कर में एज देकर गुंडन डिकॉक के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते 10 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते मैथ्यू वेड आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन ये भी ज्यादा मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों, 11 रन बनाकर आवेश खान की इस गेंद पर एज देकर गुंडन डिकॉक के हाथों में मार बैठे गेंद 11 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या आउट हुए। लेकिन देखते ही देखते शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की अंत तक और अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा किया और बल्लेबाजी को जारी रख रहे थे। दूसरे एंड से आए थे डेविड मिलर बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों, डेविड मिलर भी जब 26 रन पर आ गए तो उनके सामने होल्डर ने घूमती हुई गेंद फेंकी और शॉट लगाने के चक्कर में आयुष बदोनी को कैच से बैठे, जिसके चलते डेविड मिलर भी 26 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। अब मैच को फिनिश करने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल और राहुल त्रिवेदिया के ऊपर था और राहुल त्रिवेदिया ने एक बार मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। राहुल त्रिवेदिया ने इस मुकाबले में 22 रनों की धाकड़ पारी के लिए 16 गेंदों में तो अंत तक शुभमन गिल ने 63 रनों की तूफानी पारी के लिए 49 गेंदों में, जिसके चलते 144 रन बना चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, बल्लेबाजी तो वाकई खराब रही गुजरात टाइटंस की, जहां काफी छोटा टोटल बना चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। 150 रन भी पूरे नहीं बनाए गुजरात टाइटंस ने अपने निर्धारित 20 ओवर में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या गुजरात टाइटंस इस साल आईपीएल जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का 56वां मुकाबला। दोस्तों, इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत तो अच्छी मिली थी केकेआर को, लेकिन पहली विकेट गिरी वेंकटेश अय्यर के रूप में 60 रन के स्कोर पर। इस तरीके से बड़ा शॉट खेल बैठे वेंकटेश अय्यर और गेंद जाकर गिरी फील्डर के गोदी में, जिसके चलते कार्तिकेयन गेंद पर सैम्स को अपनी कैच देकर 43 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अय्यर आउट हुए। उनके ठीक बाद इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए अजिंक्य रहाणे। दोस्तों, कार्तिकेयन की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए रहाणे 25 रन बनाकर। दोस्तों, उनके बाद इस तरीके से श्रेयस अय्यर आउट हो गए। मुर्गन अश्विन की गेंद पर एज देकर ईशान किशन को कैच देकर 6 रन बनाकर कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 8 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद बड़ी विकेट मिली रसल द मसल के रूप में। दोस्तों, इस तरीके से बुमराह की गेंद पर नीचे खड़े पोलार्ड को कैच बैठे इस तरीके से रसल और इस मुकाबले में आंद्रे रसल मात्र 9 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद एक अच्छी पारी खेल नीतीश राणा आउट हुए। दोस्तों, 43 रनों की पारी खेल इस तरीके से एच देकर बुमराह की गेंद पर 43 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते नीतीश राणा आउट हुए। उनके बाद 5 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए जैक्सन आउट हुए। पैट कमिंस उनके बाद बुमराह की गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद नारायण भी 0 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर आउट हुए। उनके बाद साउदी भी 0 रन बनाकर सैम्स की गेंद पर आउट हुए और बुमराह के 5 विकेट हो गए, जिसके चलते 165 रन लगा पाई 9 विकेट के नुकसान पर केकेआर की टीम। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा की 5 विकेट गिरी। दोस्तों, साउदी की गेंद थी इनसाइड एज लग गया, शेल्डन जैक्सन ने पीछे कैच पकड़ ली रोहित शर्मा की और कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे तिलक वर्मा, लेकिन वो भी रसल की इस गेंद पर नीतीश राणा को कैच दे बैठे मात्र 6 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, उनके बाद आउट हुए रामदीप सिंह 12 रन बनाकर रसल की गेंद पर। उनके बाद आउट हुए टीम डेविड चक्रवर्ती गेंद पर 13 रन बनाकर, लेकिन दूसरे एंड से ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन्होंने तूफानी अर्धशतक पूरा किया। 4 विकेट जाने के बाद भी इन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद 5 विकेट इनकी ही गिरी। दोस्तों, कमिंस की गेंद थी, रिंकू ने कैच पकड़ी 51 रन बनाकर 43 गेंदों का सामना करते किशन आउट हुए। 200 उनके बाद 1 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते हुए टीम डेविड आउट हो गए कमिंस की गेंद पर। मुर्गन अश्विन कमिंस की गेंद पर चक्रवर्ती को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद कार्तिक अभी 3 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी विकेट थी कारण पोलार्ड की और पोलार्ड से उम्मीद भी बड़ी थी, लेकिन वो भी इस तरीके से शॉट तो खेल बैठे बड़ा रसल की गेंद पर, लेकिन सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो बैठे दूसरे एंड से। ये सबसे बड़ी गलती हुई पोलार्ड की और पोलार्ड 15 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई इंडियंस की टीम ऑल आउट हो गई मात्र 113 रन पर। जी हां दोस्तों, खराब बल्लेबाजी खराब गेंदबाजी मुंबई इंडियंस द्वारा और 52 रनों से केकेआर की टीम ने शानदार मुकाबला जीता। जी हां दोस्तों, कम टारगेट बनाया था केकेआर ने, फिर भी 52 रनों से केकेआर ने मुकाबला जीत लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केकेआर इस साल क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।
दोस्तों शुरू हो चुका है सनराइजर्स बाद बना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों इस मुकाबले में आरसीबी के कप्तान डुप्लेसी ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम। दोस्तों शुरुआत बहुत ही खराब रही आरसीबी की। दोस्तों सुचित की इस गेंद पर टच करने की चक्कर में सामने खड़े विलियमसन को विराट कोहली पहली ही गेंद पर कैच दे बैठे और मात्र शून्य रन बनाकर एक गेंद का सामना करते हुए अपनी सबसे बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद रजत पाटीदार मैदान पर आए, आधे ही कुछ अच्छे बेहतरीन शॉट्स लगाए और उनका साथ दे रहे थे कप्तान डुप्लेसी। दोस्तों दोनों के बीच में बेहतरीन से बेहतरीन साझेदारी हुई और इसी के चलते पहले अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने डुप्लेसी इस इनिंग के। दोस्तों आप सभी को बता दें साथ ही साथ रजत पाटीदार ने भी अच्छी पारी खेली और दोनों के बीच में 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। तभी दो रन दूर थे रजत पाटीदार अपने अर्धशतक से, तभी वो ये शॉट खेलकर गलती कर बैठे सुचित की गेंद पर और एडम मार्करम गेंद के नीचे आए, जिसके चलते 48 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते पाटीदार आउट हुए और उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल। आते ही मैक्सवेल ने भी कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कार्तिक त्यागी की इस गेंद पर छक्का लगाने की चाह में बड़ा शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए मार्करम इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल 33 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद दिनेश कार्तिक वापस मैदान पर मैच को फिनिश करने के लिए आए और उनका साथ दे रहे थे डुप्लेसी। दोस्तों इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक ने 30 रनों की धाकड़ पारी खेली, वो भी सिर्फ 8 गेंदों में, जिसमें से अंत में दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर में 3 करारे छक्के और एक चौका लगाया और अपनी पूरी पारी में 4 छक्के और एक चौका लगाकर मात्र 30 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 8 गेंदों में। उनके साथ डुप्लेसी ने 73 रनों की धाकड़ पारी खेली 50 गेंदों में, जिसके चलते 152 रन लगा दिए आरसीबी की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर, जो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम। दोस्तों शुरुआत हैदराबाद की खराब रही। दोस्तों अभिषेक शर्मा इस तरीके से टच कर दूसरा रन लेने की चक्कर में दूसरे एंड से विलियमसन को इस तरीके से रन आउट करा बैठे, जिसके चलते कप्तान विलियमसन मात्र शून्य रन बनाकर शून्य गेंद का सामना करते आउट हुए। उसकी अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए मैक्सवेल की गेंद पर। शून्य रन बनाकर अभिषेक शर्मा खुद भी बोल्ड हो गए और एक ही ओवर में 2 विकेट आए मैक्सवेल के। उसके बाद एडम मार्करम बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी हंसा रंगा कि इस गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे और नीचे कोहली ने इस तरीके से कैच पकड़ी और इसी तरीके से एडम मार्करम भी 21 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों के बाद मैदान पर राहुल त्रिपाठी ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी ने एक और बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोस्तों आप सभी को बता दें जब राहुल त्रिपाठी 58 रन बना चुके थे, तभी हेसलवुड की इस गेंद पर लुमरोर को कैच दे बैठे, 58 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते त्रिपाठी जी आउट हुए। उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों इस तरीके से सुचित हजारंगा की गेंद पर स्टंपिंग आउट हो गए मात्र 2 रन बनाकर 7 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से आउट होकर रह गए शशांक सिंह हजारंगा की गेंद पर। दोस्तों इस मुकाबले में शशांक सिंह भी मात्र 8 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद निकोलस पुरन की सबसे बड़ी विकेट मिली। हसारंगा की इस गेंद पर टच कर सीधा कार्तिक के गेंदों में जाकर गिरी गेंद। निकोलस पुरन 19 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उसके बाद पूरी चकनाचूर होकर रह गई हैदराबाद की टीम। उमरान मलिक 0, अलजरी फारूक 2, जिसके चलते इस मुकाबले में शानदार तरीके से आरसीबी ने मुकाबला 67 रनों से जीत लिया। जी हां दोस्तों 67 रनों से आरसीबी की टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया है, जिसमें हसारंगा ने 5 विकेट लिए, मैक्सवेल के एक ही ओवर में 2 विकेट आए। दोस्तों आप आरसीबी की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे। दोस्तों समाप्त हो चुका है लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला। उस मुकाबले में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। दोस्तों शुरुआत की अगर हम बात करें तो लखनऊ की शुरुआत खराब रही, जहां कुंडन डिकॉक इस गेंद पर टच तो कर बैठे, सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, दूसरे एंड से हो गए कमाल लाजवाब राहुल रन आउट और शून्य रन पर केएल राहुल को पवेलियन जाना पड़ा बिना कोई गेंद खेले हुए। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने केएल राहुल को रन आउट किया। उनके बाद कुंडन डिकॉक ने मैदान पर कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और तूफानी अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 50 बनते ही जल्दबाजी में नारायण की इस गेंद पर सामने खड़े शिवा मावी के हाथों में मार बैठे क्विंटन डिकॉक गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में क्विंटन डिकॉक 50 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद दीपक हुडा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, 41 रन बनाकर रसल की इस गेंद पर श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे और इस मुकाबले में 41 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों इनके बाद इस तरह से कृणाल पांड्या रसल की गेंद पर एरन फिंच को कैच दे बैठे, जिसके चलते कृणाल पांड्या भी 25 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते आउट होकर रह गए। दोस्तों इनके पास स्टॉइनिस ने आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाए, लेकिन ये भी चौथी गेंद पर मावी की इस गेंद पर सामने खड़े अय्यर को अपनी कैच दे बैठे और स्टॉइनिस भी 18 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद होल्डर बल्ले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों सऊदी की इस गेंद पर नीचे खड़े रिंकू को अपनी कैच दे बैठे होल्डर, 13 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते आउट हुए, जिसके
चलते लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 176 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में अब इतने टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। 211 की शुरुआत खराब रही, बाबा पारी जीत इस तरीके से आउट होकर रह गए। मोहसिन खान की गेंद पर बड़ोनी को कैच देकर 0 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते हुए